लिए आज हमें क्या चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए मैं लूंगी त्रिफला पाउडर, क्योंकि त्रिफला एक ऐसी चीज है जिसमें आंवला, हरड़ और बहेड़ा तीनों चीज़ें मिक्स होती हैं, जो बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसमें हम लेंगे त्रिफला पाउडर, तो ये मेरा लगभग 2 चम्मच के करीब त्रिफला पाउडर है। और इसमें दूसरी चीज़ हम लेंगे कॉफ़ी, तो इसमें आप ले लीजिएगा अंदाजे से 1 चम्मच के करीब कॉफ़ी। तो इसमें मैंने समझ लिया एक तरीके से 4 चीज़ें ली हैं, त्रिफला और कॉफ़ी। अब इन दोनों चीज़ों को आपको थोड़े से पानी में पकाना है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, पानी इतना ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि मैं आपको इंस्टेंट रूट टचअप बता रही हूँ। आप अगर आपके बाल बहुत बड़े हैं तो आप इसे आप बालों के हिसाब से ज़्यादा भी बना सकते हैं। और देखिए इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो हमने इसमें कॉफ़ी का इस्तेमाल किया है, कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट वाली होती है, एंटीबैक्टीरियल होती है। अगर सीजन इन्फेक्शन आपको बालों में हो रहा है उसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो इस तरीके से आप अगर त्रिफला और कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं ना, तो इससे आपके बाल जो झड़ रहे हैं ना वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे झड़ने, और बालों में बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। क्योंकि कॉफ़ी एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ एंटीबैक्टीरियल भी होती है, एंटीफंगल भी होती है। कॉफ़ी आप देखेंगे जब जैसे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है किसी को, या फिर बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है ठंडे के मौसम में, तो वो लोग उनको बोलते हैं कि थोड़ा सा आप स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी पी लीजिएगा, तो उससे आपका जो आपकी जो बॉडी है अंदर से जो आपका डिसबैलेंस हो गया है जिसकी वजह से आपकी तबीयत ख़राब है वो ठीक हो जाएगी। तो उसी तरीके से बालों के साथ भी होता है, मौसम चेंज होने की वजह से या फिर किसी तरीके से अगर आपने कुछ गलत खा लिया है तो उसकी वजह से आपके बालों पर बहुत जल्दी असर पड़ता है, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो उससे ये आपके बालों का जो है ना, जो मतलब आप जिस वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं उसे कंट्रोल करके बहुत जल्दी ठीक करता है, क्योंकि इसमें तीनों चीज़ें ऐसी होती हैं, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, और ये इतना अच्छा होता है एंटीऑक्सीडेंट के लिए भी। तीनों चीज़ें मिक्स होकर आपके बालों को बिल्कुल झड़ना एक ही बार में बंद कर देती हैं। क्योंकि कॉफ़ी को जब आप पीते हैं तो उससे आपका जो वात, रोग और कफ होता है, तीनों चीज़ें आपकी डिसबैलेंस हो जाती हैं, उसी की वजह से आपकी जो बॉडी होती है वो बीमार हो जाती है। तो वो तीनों चीज़ों को बैलेंस कर देता है, क्योंकि कॉफ़ी की तासीर जो होती है ना वो थोड़ी स्ट्रांग होती है, थोड़ी गर्म होती है इसलिए। तो इस तरीके से आप उसे पीकर भी और इस तरीके से आप अपने बालों पर इस्तेमाल करके ना बहुत ही जल्दी बालों को झड़ना रोक सकते हैं। ये फर्स्ट एप्लीकेशन में आपके बालों पर असर दिखाना शुरू कर देगी। तो इस तरीके से आप त्रिफला और कॉफ़ी दोनों चीज़ों को मिलाकर एक अच्छा सा ब्लैक हेयर डाई बना सकते हैं, वो भी घर पर और बहुत ही सस्ते में, क्योंकि कॉफ़ी ऐसी चीज़ है जो हर घर में अवेलेबल होती है इसलिए। तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, मैं आपको एक बात और बताती हूँ, अगर आपके बाल बहुत बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको शैम्पू या किसी भी चीज़ से आपको आराम नहीं हो रहा, तो आप 1 कप जैसे आधा चम्मच आप कॉफ़ी ले लीजिएगा, उसे गर्म पानी में एक ही उबाल लगाना है, उसमें थोड़ा सा शहद मिला लीजिएगा, उसे आप एक बार पी लीजिएगा दिन में, जैसे हफ्ते में एक बार, जैसे एक टाइम पी लीजिएगा, हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 7 दिन में एक टाइम आपको पीनी है, आप चाहे सुबह ले लीजिएगा चाहे दोपहर चाहे शाम, तो तीनों से एक टाइम आपको पीनी है। तो उससे ना आपके जो बाल झड़ रहे हैं ना वो बहुत ही जल्दी बंद हो जाएंगे वो पीने से, क्योंकि अंदर से ही आपकी बॉडी में कुछ कमी है उसकी वजह से वो उसको बैलेंस कर देती है और आपके बाल बिल्कुल झड़ना बंद हो जाते हैं। और अगर इस तरीके से आप बालों में लगाते हैं तो वो बाहर से प्रोटेक्ट करेगी आपके बालों को, बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो देखिए अब मेरी डाई तैयार हो चुकी है, अब गैस को कर देंगे हम बंद, और इसको आपको रूट टचअप की तरह लगाना है, जड़ों में लगाना है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो आप इसे थोड़ा सा ज़्यादा बनाकर पूरे बालों में भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर बाल छोटे हैं तो इस तरीके से आप इसे बनाकर अपने बालों में लगाकर कम से कम आधा घंटा छोड़ दीजिएगा। आधे घंटे में ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, आधे घंटे में आपके बालों में जो बालों की सफ़ेद जड़ें हो रही हैं वो जड़ें बिल्कुल काली हो जाएंगी। बस इसके बाद आपको इससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आपके बालों में बिल्कुल ऑयल नहीं होना चाहिए, और उसके बाद जब आप इसे लगाने के बाद सिर को वॉश करेंगे तो बस आप ये ध्यान रखिएगा आपको कोई भी शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, अगर आपने कोई हर्बल शैम्पू बनाया तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तो ये बहुत ही जल्दी आपके बालों को कलर दे देगी। और इसे हफ्ते में कम से कम 2 बार आप जरूर लगाएं, इसे लेडीज़ भी लगा सकती हैं, आप जैसे 14+ होने के बाद आप इसे कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे जेंट्स होने के बाद भी आप इसे लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा कलर आपके बालों को देगी और पक्का कलर आएगा इससे। हाँ, अगर आपने हर्बल डाई का इस्तेमाल किया है तो फर्स्ट एप्लीकेशन में, अगर आपने केमिकल वाली डाई का इस्तेमाल किया तो आपको 2 से 3 बार आपको जरूर लगाना पड़ेगा, तभी इसका कलर आपके बालों में आएगा। तो ट्राई कीजिएगा, कैसा लगा वो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा यूज़ करने के बाद, और प्लीज़
प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आजकल आप पता नहीं क्यों कब सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जो मैं आपके लिए रेमेडी डलाती हूँ ना वो 100% रिजल्ट वाली होती है। लेकिन बस ये होता है कि आपकी बालों का टेक्स्चर कैसा है, आप उस चीज़ को कैसे बनाते हैं, वो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन बहुत ही अच्छा और 100% रिजल्ट के साथ मैं आपके लिए लेके आती हूँ, तो ट्राई कीजिएगा और कैसा लगा वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन।